ये हाकरा आर्ट गैलरी जो है बहावलपुर रीजन में तमाम आर्टिस्ट के लिए एक ब्लेसिंग है कि यहाँ पे वो अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। और ख़ुद हमारे अपना जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है इसके स्टूडेंट्स का हम आर्ट वर्क डिस्प्ले करते हैं। जैसे इस वक्त टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट वर्क था वो यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन पे लगा हुआ है और अभी बहुत अच्छे अच्छे इसमें पीसेज हैं। और अभी ज्यूरी आएगी, ज्यूरी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के भी एक्सपर्ट आते हैं, कराची से इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी जो सीनियर फैकल्टी हैं वो आते हैं, तो वो इनको स्टूडेंट्स को जज करते हैं। स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड करना होता है, उसकी आर्टिस्टिक मेरिट्स को डिफेंड करना होता है। तो ये एक फैसिलिटी है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स का आर्ट वर्क भी डिस्प्ले होता है और जो नेशनल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनका एग्जिबिशन कराना होता है जिसकी एक हाईली एजुकेशनल और रिक्रिएशनल वैल्यू होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई जाती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ आर्ट वर्क भी होता है, जैसे सुपर ब्यूटीफुल लोकल टेक्निक से आर्ट वर्क की, जिसमें सैंड से आर्ट वर्क बनता है और दीगर जो लोकल आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे ट्रक आर्ट है उन सब के भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ जो सैंड के अंदर जो आर्ट वर्क होता है, जिसको अगर आप दूर से देखिएगा तो आपको इसके अंदर 3D नज़र आएगा कि एक डेप्थ है और ये इंतहाई इंट्रिकेट काम है और पेंस टेकिंगली जो आर्टिस्ट है इसकी एक लेयर पर दूसरी लेयर बनाता है और ये सारा सैंड से मेटिकुलसली और पेंस टेकिंगली बनाया जाता है। दैट इज़ सो अमेजिंग। और मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी की आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल किसी जगह पे मौजूद हूँ। एंड देयर पीपल वर्किंग अमेजिंग। सिमिलरली ये स्कल्पचर्स ये भी स्टूडेंट्स के डेवलप करना है। सुपर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल और अमेजिंग चीज़। सर मुझे सबसे बेहतरीन ये भी लगी कि दिस गैलरी इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर यूनिवर्सिटी, इट्स एक्चुअली फॉर एवरीबडी। सब लोगों के लिए, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल कोई भी अपनी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। दैट इज़ सुपर अमेजिंग।